नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन। मार्जिन में देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार लिखे हुए हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल है या नैरो है, और भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मेन काम जो होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे पेज में मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर को मुझे राइट साइड में कम छोड़ना है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा हिस्सा छोड़ना है, टॉप में मुझे ज़्यादा हिस्सा छोड़ना है और बॉटम में मुझे कम हिस्सा छोड़ना है। ये सब जो सेटिंग करनी रहती है ना, वो हम किस में करते हैं, मार्जिन में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिन में नॉर्मल दिया हुआ है। नॉर्मल वाले में यहाँ पे सब में टॉप में बॉटम में लेफ्ट में राइट में एक एक इंच छूटा हुआ है। नैरो वाले में 0.5 छूटा हुआ है हर जगह, टॉप में बॉटम में लेफ्ट में राइट में। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, टॉप में ज़्यादा छोड़ना है, बॉटम में कम छोड़ना है, लेफ्ट में ज़्यादा छोड़ना है, राइट में ज़्यादा छोड़ना है। अगर आपको इस टाइप की सेटिंग करनी होगी तो आपको जाना पड़ेगा मार्जिन में, जाएंगे यहाँ लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने पर यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितनी आपको मार्जिन छोड़नी है उतना इंच आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉप में ले लेता हूँ 2 इंच, तो यहाँ मैं डायरेक्ट में यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंच। लेफ्ट साइड भी मुझे 2 इंच छोड़ना है, राइट साइड 0.5 छोड़ना है, मैंने 0.5 ले लिया। बॉटम में भी मेरे को 0.5 छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे 0.5 ले लिया, ओके कर दिया। तो देखिए इस तरह से आप जैसा आपने सेटिंग करके रखा हुआ है उस टाइप का पूरा यहाँ पे पेज नज़र आ रहा है, दिख रहा है। अब मुझे इसी टाइप का हमको प्रिंट आउट निकालना है, तो वो अपने ऊपर होता है कि हमको टॉप में बॉटम में लेफ्ट में राइट में कितना छोड़ना है, अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ये तो हुआ पेज मार्जिन में, अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अगला इसी में आपका ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होता है पेज के बारे में जानकारी देना। पेज हमको कैसा प्रिंट आउट निकालना है, पोर्ट्रेट यानी होता है लंबा पेज और लैंडस्केप यानी होता है चौड़ा पेज। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको लंबे पेज में प्रिंट निकालना है या फिर चौड़े पेज में प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट किया जा। अगला यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। साइज़ में यहाँ पे पेपर का साइज़ क्या आपको लेना है, ज़्यादातर यूज़ होता है A4 साइज़ का, तो आपको A4 साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी लीगल का भी यूज़ करते हैं, तो आप लीगल भी आप ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है हम किस पन्ने में हमको प्रिंट आउट निकालना है। अगला यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। कॉलम में यहाँ पे ये जो मैटर मैंने लिखा हुआ है, अभी ये एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है, इसलिए यहाँ पे ये 1 वाले में सेलेक्ट है। मुझे इसको 2 कॉलम में बदलना है, तो जैसे मैं 2 में क्लिक करूँगा तो ये देखिए 2 कॉलम ये बदल चुका है। अगर मुझे यहाँ पे 3 कॉलम बदलना है, 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 कॉलम में बदल गया है। अगर यहाँ पे लेफ्ट दिया है, तो ये लेफ्ट में क्या होता है, जैसे आप इस लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड के कॉलम जो रहेंगे वो थोड़े पतले नज़र आएंगे, राइट साइड के जो कॉलम रहेंगे वो थोड़े बड़े नज़र आएंगे। और इसी में आप राइट में क्लिक कर देंगे तो राइट में क्या होगा, अभी ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको राइट में क्या है, कॉलम छोटा दिख रहा है, और लेफ्ट में क्या हो रहा है, कॉलम बड़ा दिख रहा है, 1, 2, 3 लेफ्ट राइट। अगला यहाँ पे मोर कॉलम लिखा हुआ है। मोर कॉलम में क्या होता है, आप अपने अनुसार कॉलम को यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, 3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगला यहाँ पे स्पेसिंग, मेन ये स्पेसिंग दो कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग है, अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ओके कर दिए। ये देखिए स्पेसिंग यहाँ पे कम हो गया है, और यहाँ पे इसकी विड्थ होती है। विड्थ जैसे लेफ्ट साइड का यहाँ पे 4.1 है और राइट साइड का 2.6 है, ओके कर दिया मैंने। अगर आपको नॉर्मल करना होगा तो ये आप 1 में क्लिक कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पे है ब्रेक। ब्रेक में जैसे आप जाएंगे, पहले में लिखा हुआ है पेज, इस पेज में जैसे आप यहाँ पे कहीं भी, जैसे मैं यहाँ पे लुक के बाद कर्सर रख दिया और इस ब्रेक में मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, लुक के बाद वाला जो भी मैटर है वो दूसरे पेज में चला जाएगा
और यहाँ मुझे कुछ और लिखना होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पेज ब्रेक, कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल जेड करके मैं वापस ले आया हूँ। अगला इसी में है लिखा यहाँ पे कॉलम ब्रेक। अब ये कॉलम ब्रेक कब होगा? कॉलम ब्रेक जैसे मैं इसको दो कॉलम में बांटूंगा, अब जैसे मान ली लुक के बाद वाला जो जो यू कैन इजली लिखा हुआ है ये दूसरे कॉलम में यहाँ शुरुआत में आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉलम में मैंने यहाँ बांट दिया, उसके बाद खाली मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे का मैटर दूसरे कॉलम में इधर आ गया है। अगला इसी में ये लिखा है टैक्स रैपिंग। टैक्स रैपिंग क्या होता है? दो लाइन के बीच में गैप देना, उसको डैश रैपिंग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दो लाइन के बीच में गैप आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया। अगला यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, अब इसके नीचे मैं और तीन चार लाइन लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एक नया पेज चाहिए, नेक्स्ट पेज चाहिए, अगला पेज। तो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा लास्ट में और इस नेक्स्ट पेज में मैंने क्लिक कर दिया तो हम अगले पेज में आ गए। अगला इसी में है कंटिन्यूस लिखा हुआ है। कंटिन्यूस जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था अभी, दो लाइन के बीच में इसमें मतलब स्पेस देना, तो ये कंटिन्यूस वही काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला यहाँ पे लिखा है इवन पेज और ये लिखा है ऑड पेज। इवन पेज जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पेज है, अब यहाँ पे इसके बाद वाला पेज जो आना चाहिए वो दूसरा नंबर का पेज आना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए? मुझे यहाँ पे ऑड पेज चाहिए। ऑड पेज मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसा अगर पेज आपको लाना होगा तो ऑड पेज में क्लिक करना है आपको, और अगर आपको इवन पेज लाना है तो इवन पेज में क्लिक कर देना है। अगला है यहाँ पे लाइन नंबर। लाइन नंबर का यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे 5-6 लाइन लिखनी पड़ेगी जो मैं लिख रहा हूँ। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने पहली लाइन लिखी है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं लाइन नंबर पे। लाइन नंबर में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा हुआ है। कंटिन्यूस में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे जितनी मैंने लाइन लिखी हुई है सब लाइन के सामने यहाँ पे नंबर आ चुके हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है जैसे ये एक पेज ख़त्म होता है ये 16 नंबर पे ख़त्म हो रहा है। अगला जैसे दूसरे पेज में जैसे आप यहाँ पे आएंगे, अगला यहाँ से ये 17 नंबर से स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है कंटिन्यूस। इसी में अगला हम यहाँ पे आएंगे, ये लिखा है यहाँ पे रीस्टार्ट ए पेज। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे ये एक पेज ख़त्म होने के बाद दूसरा नंबर कंटिन्यू चल रहा था, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16 नंबर पे ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ये दूसरा पेज चालू हुआ, दूसरे पेज का पहला लाइन क्या हुआ है यहाँ पे वापस 1 से स्टार्ट हो गया है, इसी को बोला जाता है रीस्टार्ट एज पेज। अगला यहाँ पे रीस्टार्ट एज सेक्शन लिखा हुआ है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल के लिए मुझे ब्रेक में जाना पड़ेगा, यहाँ से कंटिन्यूस करना पड़ेगा। जैसे मैं कंटिन्यूस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगला लाइन आ गया है, मतलब ब्रेक हो गया है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर एक 13 नंबर के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यूस कर देता हूँ। कंटिन्यूस करने के बाद ये आपको जो लाइन नंबर जो दिया गया है आपको कंटिन्यू नज़र आ रहा है। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ री स्टार्ट ए सेक्शन में क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ मैं कंटिन्यूस दिया था वहाँ पास से फिर से ये 1 नंबर से स्टार्ट हो गया है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू दे दिया तो फिर से यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट हो गया। ये देखिए आपको दिख रहा है, तो ये समझ में आ गया आपको रीस्टार्ट ए सेक्शन क्या काम करता है। अगला यहाँ पे लिखा है सप्रेस फॉर्म करेंट पैराग्राफ। ये क्या काम करता है, जैसे ये समझ लीजिए 14 नंबर का ये लाइन है, अब मैं ये 15 नंबर, ये 16 नंबर का मैं चाहता हूँ इस 14 नंबर पे ही गिनती हो, जो 15 नंबर का जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो। तो मुझे 14 नंबर की लाइन में 3 लाइन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये दोनों लाइन को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है लाइन नंबर पे। लाइन नंबर पे जाने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है सप्रेस फॉर्म करेंट पैराग्राफ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए 14 नंबर की गिनती में ये आ जाएगा, 15 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया सप्रेस फॉर्म करेंट पैराग्राफ। अगला यहाँ पे है लाइन नंबर ऑप्शन। लाइन नंबर ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर जैसे हमेशा ये स्टार्ट एक से होता है, अब आपको 7 से करना है, 8 से करना है स्टार्ट, 9 से करना है। यहाँ पे लाइन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है स्टार्ट 8। आप यहाँ पे जो नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे दे दीजिए और ओके करके ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर से स्टार्ट हुआ है, 5 नंबर के स्टार्ट हुआ है जो मैंने वहाँ पे नंबर दिया था। तो समझ में आ गया आपको लाइन नंबर ऑप्शन। अगर आपको कोई नंबर नहीं चाहिए तो लाइन नंबर पे जाकर आप यहाँ पे नन कर दीजिए, नन हो जाएगा। अगला यहाँ पे है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या काम करता है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। मिटाने के बाद मैं यहाँ पे रैंड लिखता हूँ, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ किया मैंने, मैटर बड़ा मैटर का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हाइपरनेशन होता क्या है, आपने देखा होगा खासकर बुक में रहता है कि कोई बड़ा सा वर्ड रहता है ख़त्म होता है तो बीच में डैश लगा रहता है, उसी को बोला जाता है हाइपरनेशन। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको, उसके बाद हम चलते हैं हाइपरनेशन में। हाइपरनेशन में जाने के बाद यहाँ पे अभी नन है तो नन दिख रहा है आपको। ऑटोमेटिक में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखिए हाइपरनेशन जैसे ये बन गया है, CON लिखा हुआ है, बीच में डैश लगा हुआ है, बाकी ये पूरा यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को बोला जाता है हाइपरनेशन। अगला इसी में लिखा हुआ है मैनुअल। मैनुअल में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कहाँ कहाँ हाइपरनेशन हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यस किया, ये दूसरा यहाँ पे हाइपरनेशन हुआ है, ये बोल रहा है हाइपरनेशन इज कम्प्लीट, ओके कर देंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया आपको हाइपरनेशन। इसी में अगला यहाँ पे वाटरमार्क लिखा हुआ है। वाटरमार्क जो होता है जैसे ये पेज लिखा हुआ है, इस पेज के पीछे हमको अपना एक नाम लिखना है या फिर कोई कंपनी का नाम लिखना है तो आप वाटरमार्क दे सकते हैं। तो मैं वाटरमार्क में चलता हूँ। वाटरमार्क में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने पर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आएगा नो वाटरमार्क लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा है पिक्चर वाटरमार्क। अगर आपको नाम नहीं चाहिए, नाम की जगह पे पिक्चर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तो आप सेलेक्ट पिक्चर में जाइए। सेलेक्ट पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में मैं यहाँ पे कोई दूसरी फ़ोटो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये फूल वाला ले लिया है, इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, मैं इसका पिक्चर का साइज़ ले लेता हूँ 100% और फिर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिए ओके करने पर ये देखिए बैक साइड में फ़ोटो आ चुकी है। जब मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा ये देखिए यहाँ पे, तो ये ऐसा प्रिंट आउट हो के आएगा, पीछे बैग में फ़ोटो रहेगा जो आप फोटो सेलेक्ट किए रहेंगे। अभी फ़ोटो का साइज़ 100% है इसलिए फ़ोटो आपको बड़ी नज़र आ रही है, और अगर आपको फ़ोटो को छोटा करना होगा तो मैं यहाँ से अभी क्लोज करता हूँ। पेज लेआउट में चलते हैं, वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में यहाँ से आप 50% कर लीजिए, ओके कर लीजिए तो फ़ोटो का साइज़ छोटा हो जाएगा, तो आपको इस तरह से नज़र आएगा छोटा फोटो। बड़ा करना तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं। अब ये फ़ोटो आपको हल्का नज़र आ रहा होगा, थोड़ा डार्क चाहिए आपको, तो वापस पेज लेआउट में जाइए, वाटरमार्क में जाइए, कस्टम वाटरमार्क में जाइए, यहाँ पे लिखा है वाश आउट, इस वाश आउट में क्लिक कर देंगे और ओके कर लेंगे। ये देखिए आप वाश आउट हटाने से पिक्चर जो रही है वो थोड़ा डार्क हो गई है। अगला इसी में है वाटरमार्क पे आप जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, ये लिखा है यहाँ पे टैक्स वाटरमार्क। टैक्स वाटरमार्क में यहाँ पे टैक्स में आप यहाँ पे जो आपको नाम देना होगा आप दे सकते हैं, जैसे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ संदीप गुरुजी। यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको जो आपको लेना होगा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी बड़ी करना है आप यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर आप यहां से जो आपको कलर देना आप दे सकते हैं।
मैंने रेड कलर दे दिया और ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आ गया यहाँ पे। और अगर आपको फ़ोन का साइज बड़ा करना है तो आप इसी में आप जाइए कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ पे साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये जो नाम लिखा हुआ है ये तिरछा आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको तिरछा नहीं चाहिए तो ये आपका हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल में क्लिक के ओके कर दीजिए कि हॉरिजेंटल हो जाएगा। और अगर आपको नाम जो पीछे का है थोड़ा हल्का नज़र आ रहा है, डार्क करना है, यहाँ आप जाइए कस्टम वाटरमार्क में सेमी ट्रांसपेरेंट में क्लिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा डार्क हो जाएगा, और आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये इस तरह से डार्क नज़र आएगा। आपका मैटर जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, और बैक साइड में नाम भी आ जाएगा जो आपको नाम लिखना है। तो समझ में आ गया आपको। और अगर आपको वाटर मार्क नहीं देना है तो वाटर मार्क में जाइए, यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क कर दीजिए, वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। अगला यहाँ पे पेज कलर। पेज कलर क्या चीज़ होता है, जैसे ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये हमेशा वाइट कलर का पेज होता है। अगर आपको कलर करना होगा तो आप यहाँ से पेज को कलर कर सकते हैं। तो जैसे मैं पेज कलर में मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो कलर चाहूँ वो कलर पेज का ला सकता हूँ। ये देखिए कोई भी कलर जो जो इसमें दिए हुए हैं। और अगर आपको कलर बनाना होगा तो मोर कलर में जाकर आप कल यहाँ से कलर बना भी सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन का लाइट ग्रीन चाहिए तो मैं यहाँ से लाइट कर सकता हूँ और ओके कर दिया तो ये देखिए लाइट कलर आ गया। कलर कैसे चेंज करेंगे पेज का कलर। अगला यहाँ पे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में जैसे मैं यहाँ पे टू कलर में क्लिक करूँगा तो आप अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो कलर। तो मैंने जैसे ये दोनों कलर का सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्टाइलें दी हुई हैं, आप यहाँ पे स्टाइल भी ले सकते हैं जो आपको स्टाइल लेना होगा। जैसे मैंने यारा स्टाइल ले लिया और ओके कर दिया तो देखिए पेज का कलर यहाँ पे डबल कलर हो चुका है। अगला इसी में फिल इफेक्ट में आप जाएंगे तो मिलेगा टेक्सचर। टेक्सचर में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी टेक्सचर आप लेके ओके कर सकते हैं, आपके पेज में टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगा, आपको केवल आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आपको नज़र आएगा। अगला इसी में हम आते हैं फिल इफेक्ट पैटर्न। पैटर्न में यहाँ पे पैटर्न मिलेगा, जिस तरह का यहाँ पे पैटर्न आपको चाहिए उसमें आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। कलर अगर आपको चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर। जैसे मैंने येलो ले लिया और ब्लू ले लिया है, ये ऐसा कलर आ गया है। अगला इसी में फिल इफेक्ट में पिक्चर मिलेगा। पिक्चर में आप जाकर सेलेक्ट पिक्चर में आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर आप बैकग्राउंड में पेज में आप ला सकते हैं। ये देखिए पिक्चर आ गई, लेकिन ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगा आपको, ये केवल आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आएगा पेज में। अगर आप इसी का प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट व्यू में देखिए यहाँ पे नॉर्मल वाइट पेज नज़र आ रहा है। अगला इसी में हम आते हैं। अच्छा, अगर ये आपको हटाना होगा तो पेज कलर में आप जाएंगे, यहाँ से नो कलर करेंगे, कलर हट जाएगा। अगला यहाँ पे है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर जैसे हमको इसमें प्रिंट निकालना है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने पे ये पूरा एकदम सादा आपको नज़र आ रहा है, कोई भी बॉर्डर वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं पेज में बॉर्डर आ जाए, पेज थोड़ा और सुंदर नज़र आए, तो आप यहाँ पे पेज बॉर्डर में आप जाकर यहाँ से बॉक्स जैसे आपको चाहिए तो बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स जैसा एक लाइन आ गया है। और अगर आप शेडो वाला चाहिए तो ये देखिए हल्का सा इसमें शेडो नज़र आएगा आप इधर साइड में। इसी में अगला यहाँ पे 3D जैसा, 3D में आप आएंगे तो यहाँ पे कोई भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं बॉर्डर का। ये देखिए अगला इसी में कस्टम। कस्टम में आप जाएंगे तो अपने मन का आप यहाँ पे बॉर्डर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टॉप में येलो बॉर्डर चाहिए, राइट साइड में येलो बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट साइड में ये लाइनिंग जिगजैग वाला चाहिए और बॉटम में डबल जिगजैग वाला बॉर्डर चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पे कस्टम में जाके आप ऐसा अपने मन का बॉर्डर आप बना सकते हैं। ये देखिए ओके कर दिया मैंने, ये अपने मन का बॉर्डर यहाँ पे आपका तैयार हो चुका है। यहाँ से कलर वगैरह अगर आपको देना होगा तो आप कलर वगैरह भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो आप यहाँ पे आप बॉर्डर लेंगे
उस बॉर्डर की विड्थ यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते। अगला इसी में आर्ट लिखा हुआ है। आर्ट में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अलग अलग आर्ट आ गए यहाँ पे, ये भी आपका पेज बॉर्डर कहलाता है। इसी में और भी अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइनें हैं, जो आपको डिज़ाइन पसंद आएगा वो आप डिज़ाइन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको पेज बॉर्डर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, नन में क्लिक करना है, ओके करना है, ये आपका पेज बॉर्डर हट जाएगा। अगला इसी में इंडेंट लिखा हुआ है। इंडेंट क्या चीज़ होती है, जैसे मैं यहाँ पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट करने पर ये लिखा है लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड से क्या होगा, ये इंडेंट में ये ऐसा एक एक इंच खसकता जाएगा, ये लेफ्ट साइड से हम कम कर देंगे तो कम ही हो जाएगा। और राइट लिखा हुआ है, राइट में क्लिक करते जाएंगे तो राइट साइड से ही कम होता जाएगा, ये होता है आपका इंडेंट। अगला इसी में दिया हुआ है स्पेसिंग। मैंने यहाँ पे इंटर करके स्पेसिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये स्पेसिंग में लिखा है यहाँ पे बिफोर। बिफोर यानी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते जाऊँगा तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, लाइन के ऊपर से स्पेस देना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर से स्पेस देना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। आफ्टर लिखा हुआ मतलब लाइन के नीचे से स्पेस देना शुरू होगा। ये देखिए दिख रहा है आपको, मैं कम कर रहा हूँ कि कम हो गया स्पेसिंग में बिफोर और आफ्टर। अगला हम आते हैं यहाँ पे पोजीशन। अब पोजीशन लेकिन अब ये चालू नहीं है, चालू कब होगी, जब हम यहाँ पे पिक्चर लेके आएंगे या फिर शेप लेके आएंगे, जो कि मैं पहले पहले एक वीडियो बनाया हूँ मैं शेप वाला, उसमें ये सब चीज़ के बारे में बताया हूँ, फिर से मैं इसमें भी बता देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक शेप ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, तो मैंने ये शेप ले लिया है। शेप लेने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में पोजीशन की ओर। पोजीशन में जैसे हम जाएंगे तो अब ये आपसे पूछ रहा है अब किस पोजीशन में आपको रखना है। ये देखिए टैक्स उसके ऊपर बगल में आता जा रहा है, जैसे मैंने लेफ्ट वाले में क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये सेंटर में है तो सेंटर में आ गया, ये राइट में तो राइट में आ गया। यहाँ पे आप पेज के मिडिल में लाना चाहेंगे तो आप पेज के मिडिल में ला सकते हैं, और आपको बॉटम में लाना है तो बॉटम में ला सकते हैं। जिस पोजीशन में पिक्चर आपको नज़र आ रही है उसी पोजीशन में आपको पिक्चर लेके आना है, उसी पोजीशन में आपको शेप लेके आना है, तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं यहाँ पे केवल पिक्चर ही पोजीशन में काम करेगा, शेप भी काम कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे काम कर ही रहा है। अगला इसी में हम आते हैं रैप टैक्स। रैप टैक्स जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले यह लिखा है इन लाइन विथ टैक्स लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये जो मैटर लिखा है वो नीचे में आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगला यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे मैं स्क्वायर करूँगा मैटर यहाँ पे इसके बगल से स्टार्टिंग से आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर किया, ये देखिए मैटर क्या आ गया, शेप के जस्ट बगल में आ गया। जैसे मैं टाइट करूँगा तो टैक्स आपस में थोड़ा सा टाइट होंगे, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए थ्रो, थ्रो जो होता है वो फोटो के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थ्रो करने से क्या होता है, अभी मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं इंसर्ट में गया पिक्चर में, एक फ़ोटो ले आया मैं यहाँ पे, ये देखिए ये मैं फ़ोटो ले आया हूँ। अब ये फ़ोटो को मैं थोड़ा सा सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो फ़ोटो मूव हो रही है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर जल्दी मूव हो ही नहीं रही है। अब ये फ़ोटो जो मूव नहीं हो रही है, ये इसलिए नहीं मूव हो रही है क्योंकि मैंने इसको थ्रो नहीं किया है। तो मैं यहाँ रैप टैक्स में गया, अगर मैं यहाँ पे थ्रो में क्लिक कर दिया तो ये देखिए फ़ोटो एकदम ईजिली यहाँ पे मूव होना शुरू हो गई। अगला इसी में लिखा है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये लिखा हुआ मैटर जो आपको बगल में फ़ोटो के बगल में नज़र आ रहा है वो नीचे की ओर आ जाएगा, ये आपको देख रहे हैं। बिहाइंड टैक्स, बिहाइंड टैक्स जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ़ोटो पीछे चला जाएगा और टैक्स सामने आ जाएगा। अगला इसी में लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूंगा फोटो सामने आ जाएगा और टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है
एडिट ड्राफ्ट पॉइंट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए चारों तरफ डॉट डॉट बन चुका है। अब ये कॉर्नर से मैं डॉट माउस से पकड़ के जैसे इसको ऊपर करते जा रहा हूँ तो क्या होगा, टेक्स्ट फोटो के ऊपर में आता जाएगा। दिखा आपको, ये देखिए जितना मैं मूव करते जाऊंगा उतना फोटो के ऊपर टेक्स्ट आता जाएगा। दिख रहा है आपको? तो ये होता है एडिट रैप पॉइंट। अगला यहाँ पे है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक दो फोटो और ले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट में गया, इमेज पिक्चर में गया, एक फोटो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक फोटो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए फोटो मैं छोटा कर रहा हूँ तो इस फोटो को मुझे थ्रू करना पड़ेगा। तो मैं गया रैप टेक्स्ट में, मैंने यहाँ पे थ्रू कर लिया, एक फोटो है फ्लावर वाला ले आया, इसको मैं क्या कर दिया, थ्रू कर दिया। ये तीनों फोटो आ गए हैं। अब तीनों फोटो में मैं क्या करता हूँ, फ्लावर वाला सबसे सामने है, मैं सामने ले आया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड ये नहीं होता है, एक फोटो के पीछे जाना, एक स्टेप पीछे जाना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड बैकवर्ड में, तो देखिए जो पीछे में फ़ोटो रखी हुई थी उसके जस्ट पीछे वाले फ़ोटो में ये चला गया, मतलब एक फ़ोटो के पीछे चला गया। फिर मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो दूसरे वाले फ़ोटो के पीछे चला गया। तो आपको समझ में आ गया सेंड बैकवर्ड क्या काम करता है। अगला यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटो जो पीछे चला गया है मुझे एक एक करके आगे लेके आना है। तो जैसे मैं फ़ोटो तो सेलेक्ट है ही पहले से ही, जिस फोटो को आपको आगे पीछे करना उस फोटो को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे विन फॉरवर्ड में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैंने और आगे आना है। फिर से एक स्टेप और आगे आना है, तो फिर से मैंने यहाँ विन फॉरवर्ड में मैंने क्लिक किया तो ये वापस आ गया, देखिए शुरुआत में आ गया। आप एक एक करके, अगर आपको पीछे करना है तो सेंड बैकवर्ड का यूज़ करना है आपको, और अगर आपको एक एक करके सामने लेके आना है तो आपको विन फॉरवर्ड का यूज़ करना है। अगला यहाँ पे इसी में लिखा है सेंड टू बैक लिखा हुआ है। अगर मैं सेंड टू बैक में क्लिक करूँगा तो क्या होगा, फ़ोटो सबसे लास्ट में चली जाएगी, मतलब पीछे में जितने भी इमेज होंगे सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये देखिए सबसे लास्ट में चला गया, दिख रहा है आपको? इसी में आपका है ब्रिंग टू फ्रंट लिखा होगा। ब्रिंग टू फ्रंट से क्या होगा, जैसे फोटो सबसे लास्ट में है या फिर कोई भी चीज़ शेप वगैरह लास्ट में है उसको हमको शुरुआत में लाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फोटो सबसे शुरुआत में आ जाएगी। अगला इसी में है लिखा हुआ है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए राइट साइड में जो जो मैंने यहाँ फोटो लेके आया हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे प्रोसेस को मैं बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आँख आपको नज़र आ रही होगी। तो जैसे मैं आँख में क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, फ़ोटो हाइट हो गई। फ़ोटो अभी भी इस जगह पे है लेकिन मैं इसको हाइट कर दिया हूँ। ये मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये देखिए फ़ोटो आपको नज़र आ रही है। अगर आपको पूरा एक साथ करना है तो उसे आप नीचे आएंगे तो ये लिखा है हाइट ऑल, हाइट ऑल हो गया, सो ऑल करेंगे तो सो ऑल हो जाएगा। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है। अगला इसी में ये लिखा है यहाँ पे अलाइन। अब देखिए अलाइन क्या काम करता है, अभी मैं ये दो फोटो को हटा देता हूँ। अभी अलाइन, अलाइन को मैं छोटा कर लिया। अलाइन में जैसे मैं यहाँ करता हूँ ये क्या है, अलाइन लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट की ओर आ गया, सेंटर लिखा तो बीच में आ गया, राइट लिखा तो राइट में आ गया, टॉप लिखा तो टॉप में चला आ गया, मिडिल लिखा तो पेज के मिडिल में आ गया। ये देखिए बॉटम करूँगा तो बॉटम में चला जाएगा। इसी में ये फ़ोटो ऊपर चली गई है। इसी में ये लिखा आपका डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, बीचों बीच में आ गया। और इस डिस्ट्रीब्यूट में वर्टिकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये बीचों बीच में यहाँ पे नीचे में आ जाएगा फोटो, दिख रहा है आपको। अगला इसमें है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए एक ग्रिड लाइन यहाँ पे आ गया है, ये टेबल नहीं है ग्रिड लाइन है। अगर आपको ग्रिड लाइन को अगर आपको हटाना होगा
अलाइन में ही जाएंगे, ये व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन हट जाएगा और कहीं से ये नहीं हटेगा, यहीं से हटेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसी में ये लिखा है, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप, और ये इसी में होता है अनग्रुप होता है। ये कब चालू होता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके लिए मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ये लिखा है यहाँ पे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया राइट साइड में, मैं गो में क्लिक कर देता हूँ। गो में क्लिक करने के बाद ये वाला क्लिप आर्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, बाकी टेक्स्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट ले आया है। क्लिप आर्ट लाने पर अब देखिए ये ऑप्शन जो अलाइन के नीचे ग्रुप वाला ऑफ रहा, वो अभी ऑन हो चुका है। इससे होता क्या है कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बादल हो गया, स्काई हो गया, और ये पेड़ पौधे जो नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। केवल मुझे क्या चाहिए, टावर चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप करना पड़ेगा। और ये अनग्रुप कहाँ से होता है, आप ग्रुप में आप जाएंगे, यहाँ लिखा है अनग्रुप। जैसे मैं अनग्रुप में क्लिक करूँगा, यस करूँगा, अब जैसे मुझे जो जो चीज़ नहीं चाहिए सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट। ये देखिए सेलेक्ट करके मैं क्या कर ले रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, और कुछ भी डिलीट नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा दोबारा इस तरह से, ये सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको ग्रुप कर दूँगा। तो ये देखिए पूरा एक ग्रुप बन चुका है, एक साथ जहाँ जाएगा ये एक साथ जाएगा। तो ये होता है ग्रुप करना और अनग्रुप करना। तो मैं हटा देता हूँ, फिर से एक इमेज लेता हूँ मैं यहाँ पे। इमेज लेने के बाद ये मैं इमेज ले लिया हूँ। अब इमेज लेने पर रोटेट में आ गया मैं, रोटेट में ये लिखा है रोटेट राइट 90 डिग्री, राइट क्यों 90 डिग्री, ये रोटेट हो चुका है। लेफ्ट क्यों 90 डिग्री, तो लेफ्ट क्यों 90 डिग्री हो चुका है रोटेट। अब यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल करने पर फोटो पूरी उल्टी हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल करने पर फोटो, आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है, नहीं आ रहा समझ में, मैं बताता हूँ। देखिए अभी ये जो पक्षी है ये थोड़ा पतला वाला है और ये थोड़ा मोटा वाला है। अब ये मोटा वाला जो पक्षी है अभी राइट की ओर है, ये पतला जो है वो लेफ्ट की ओर है। अब बीच वाले का चोंच अभी किधर है, लेफ्ट की ओर है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल करता हूँ। तो देखिए क्या आपको नज़र अंतर नज़र आ रहा है कुछ, कि जो बीच वाले का चोंच जो लेफ्ट की ओर था वो अभी राइट की ओर हो चुका है, और जो मोटा वाला राइट की ओर था वो लेफ्ट की ओर हो चुका है। रोटेट में अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो क्या होता है, क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अगला यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ है, क्रॉप में, क्रॉप तो जानते होंगे आप, क्रॉप में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं फोटो को इस तरह से। ये देखिए समझ में आ गया आपको। अब मैं बाहर में क्लिक कर देता हूँ तो ये फोटो क्रॉप हो गया। अगला यहाँ पे लिखा है विथ, ये मैंने यहाँ पे दिल बना लिया है। दिल बनाने के बाद अगला यहाँ पे लिखा है विथ। विथ से क्या कर सकते हैं, इसकी आप विथ को आप चौड़ी कर सकते हैं माउस से भी, इसकी हाइट को भी यहाँ से माउस छोटा बड़ा कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा ये देखिए, इससे क्या होता है ये पूरा हाइट, इसकी हाइट के साथ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। और अगर आपको माउस से करना है तो माउस से आप चौड़ाई बढ़ाना है चाहे लंबाई बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पेज लेआउट के बारे में, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।